నమస్కారం నవతరానికి నంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం కొన్నిసార్లు ఉన్నట్టుండి మనం చేస్తున్న పని మీద ఆసక్తి తగ్గుతుంది నిస్తేజంగా అనిపించి ఏ పని చేయలేని పరిస్థితి మన కోసం కొంత సమయం కేటాయించుకోకపోవడమే దీనికి కారణం కాబట్టి మీకంటూ కాస్త సమయం పెట్టుకొని ఏం చేస్తే బాగుంటుందో తెలుసుకునే ముందు నవ్య కార్యక్రమంలో కొత్తదనం చూద్దాం आई एम हरी फ्रॉम अदान क्रिएशन मुंबई। फर्स्ट टाइम हम लोग न्यू ब्राइडल सेट कलेक्शन लाए, जैसे आप ये देख रहे हो, ये मीना वर्क के साथ है, सिल्वर के ऊपर है, पाची कुंदन वर्क है। इस सब की हम लोग गारंटी देते हैं, जो पॉलिश कभी ख़राब नहीं होगी, एचडी रहेगी। जैसे आप ये सेट देख रहे हो, ये सिल्वर के ऊपर है, पाची कुंदन वर्क है, विथ मीना वर्क है। और ये फर्स्ट टाइम हम लोग हैदराबाद लाए, जो आपको कहीं कॉमन नहीं मिलेगा, ये ऑल ऑफ डिफरेंट है, पूरा डिफरेंट पीस है। दूसरे सेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपको मैं कुंदन में बता ही चुका हूँ, ये दूसरे डायमंड में जो हम लोग सिल्वर के ऊपर सरोस्की स्टोन में बनाए। पहले डायमंड में ये रानी हार की तरह कुंदन में हम लोग बनाया करते थे, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग डायमंड में भी रानी हार की तरह बनाए हैं, जो ब्राइडल यूज करती है, जो डिफरेंट लुक में आएगा आपको। ये पूरा सिल्वर के ऊपर डायमंड जो है सरोस्की यूज है, और रोडियम है पॉलिश है, जो कभी आपको पॉलिश ख़राब नहीं होगी, एचडी रहेगी। टेम्पल नेक पीस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो यहाँ का फेवरेट है। टेम्पल नेक पीस सबसे ज़्यादा यहाँ हम लोगों का सोल्ड आउट है, जो डिजाइनर कॉन्सेप्ट में हम लोग फर्स्ट टाइम बना के लाए। ये रियल सीजेड के साथ टेम्पल का लगाए हुए हैं। पहले क्या गोल्ड पैटर्न में आते थे, लेकिन अभी हम लोग सिल्वर पैटर्न में बनाने के लिए जा रहे हैं। पूरा सिल्वर पैटर्न में ही बना के इस बार लाए हैं। फर्स्ट टाइम आपको हैदराबाद में ये देखने को मिलेगा, रियल सीजेड के साथ सिल्वर के पेंडेंट, यानी पेंडेंट लुक में। मैं आपको आप एक कुंदन में भी ब्राइडल सेट दिखा रहा हूँ, जो आजकल चल रहे हैं, रानी हार की तरह ही होते हैं, और उसके ऊपर चोकर के कॉन्सेप्ट में हम लोग दिखा रहे हैं। ये सब सिल्वर के ऊपर होते हैं, कुंदन वर्क होते हुए विथ मीना वर्क के साथ, 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश के साथ होते हैं। और ये सिल्वर के ऊपर होते हैं, कुंदन वर्क होते हैं, विथ मीना वर्क के साथ होते हैं। इस सब की गारंटी होती है, पॉलिश कभी ख़राब नहीं होगी, आपको एचडी देगी। ये सब रियल की डिज़ाइन है। अभी जो मैं आपको पीस में बताना चाह रहे हैं, वो रियल की डिज़ाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अम्रपाली का जब प्रमोट कर रही थी करीना, वो पीस बनी थी। उसके बाद अदांस क्रिएशन की, यानी रिजवाना जो डिजाइनर है, वो ये पीस बनाई, जो अभी बहुत ही हिट डिजाइन है ये मेरा। और ये पूरा सीजेट के कॉन्सेप्ट पे है, और ये डिफरेंट लगते हैं जब पहनने के बाद। अभी ये न्यू कलेक्शन है, ये कोई भी, ये एमरल्ड कलर है, जो आप कोई भी ड्रेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। एमरल्ड और वाइट कलर है, तो कोई भी ड्रेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसमें कल्चर पर्ल है, और करेट वाइज एमरल्ड यूज है। आप साड़ी के ऊपर यूज कर सकते हैं, कोई प्लेन ड्रेस है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक आता है इसका। ये जो अभी आपको ईयरिंग मैं दिखा रहा हूँ, जो मेरा सबसे हॉट सेलिंग पीस है, ये ईयरिंग जो आपको कहीं कॉमन नहीं मिलेगा, हैदराबाद में भी हम लोग फर्स्ट टाइम ही ये ईयरिंग लेके आए हैं। ये बम्बे का सबसे हॉट सेलिंग पीस है। ये सब पूरा सिल्वर के ऊपर रियल सीजेड उस सरोस्की स्टोन के साथ है, जो कभी काला नहीं पड़ता है, एचडी रहता है। लुक वाइज पूरा रियल की रहेगी। अभी ट्रेवलिंग करने के लिए शादी में ये सब पीस मोर यूज होता है। जिनको ट्रेवलिंग करने के लिए रियल नहीं ले जाना, वो ये पीस यूज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको मैं यही पीस दिखा रहा हूँ, ये देखने में तो बड़े दिख रहे हैं, लेकिन लाइट वेट है। ये पूरा सिल्वर, इसका जो मेकिंग है ना, वो पूरा सिल्वर के ऊपर बना हुआ है। रियल सीजेड लगाया गया है, जो ग्रीन स्टोन का आप देख रहे हो, वो पूरा रियल सीजेड है। और ये सरोस्की स्टोन है, जो लुक किया गया ना, वो विक्टोरियन लुक किया गया है, जो आप कोई भी ड्रेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। सेकेंड, मैं आपको ये भी पीस बताने के लिए जा रहा हूँ, जो ये सिल्वर के ऊपर बना हुआ है, रियल सीजेड है, और इसका रोडियम है पॉलिश है, जो आप इसे रेड पे कॉन्ट्रास्ट में अगर आपको यूज करना है, तो रेड के ड्रेस के ऊपर यूज कर सकते हो, ग्रीन ड्रेस के ऊपर, पीच ड्रेस के ऊपर, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रास्ट ही चल रहे हैं। रेड पे ग्रीन यूज करो, ग्रीन पे ग्रीन एक ऐसी कलर है जो कोई भी ड्रेस के ऊपर यूज कर सकते हो आप। ये जो मैं अभी आपको ईयरिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये सेम ईयरिंग सोनम कपूर भी पहनी थी, ये जब प्रमोट कर रही थी नूतन दास के, तब ये पहनी थी ये ईयरिंग। ये सिल्वर के ऊपर हम लोग भी उसका ही कॉपी करके, रियल डिजाइन का ही कॉपी करते हैं। ये सिल्वर के ऊपर सरोस्की स्टोन के साथ रोडियम हाई पॉलिश करके बनाया गया है। और इस सब की लुक वाइज जो पूरा रियल की रहती है, जो आप शादी में कोई ट्रेवलिंग करने की, क्योंकि आप रियल तो ले नहीं जा सकते हो, यही कैरी करना होता है, इसके लिए ये सब बहुत अच्छा लगता है। अभी जो मैं आपको ईयरिंग बताने जा रहा हूँ, ये चांद वाली लुक है। जो ये लुक जो है ना, कोई भी ड्रेस के ऊपर यूज करो। हम लोग चांद वाली जो बनाए ना, वो सिल्वर के ऊपर सरोस्की स्टोन के साथ कुंदन वर्क बनाए, जो पहली थे हम, पहले कुंदन में बनते थे चांद वाली, अभी हम लोग सिल्वर में सरोस्की स्टोन के साथ कुंदन वर्क, तीनों यानी मिक्स करके बनाए, तो वो पूरा डिफरेंट आपको लुक लगेगा। कोई भी ड्रेस के ऊपर यूज कर सकते हो, ये सब सिल्वर के ऊपर 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश के साथ है। अब मैं लास्ट आपको ये पीस बताने जा रहा हूँ, ये पीस पूरा डिफरेंट पीस है। अभी आप कुछ टाइम पहले ही बिग बॉस देखे होंगे,
दीपिका कक्कर को भी हम लोग यही पीस पहनने के लिए दिए थे। ये मेरा होल सेलिंग पीस है जो आपको कहीं कॉमन नहीं मिलेगा, ये डिफरेंट डिजाइन है। पूरा सिल्वर के ऊपर पाची कुंदन वर्क विथ 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश के साथ बनाया गया हुआ है। కొత్తదనం ఇక ఆఫీస్ ఇల్లు తప్ప మరో ప్రపంచం లేకపోతే సాధారణంగానే శరీరానికి బద్ధకం అలవాటవుతుంది. అది మన మెదడు మీద ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్నాళ్ళకి ఏ పని సరిగ్గా చేయలేం. ఈ పరిస్థితిని అధిగమించాలంటే క్రమం తప్పకుండా రోజు కాసేపు వ్యాయామం లేదంటే ధ్యానం చేసి చూడండి. అది మనలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని శక్తిని నింపుతుంది. మరిన్ని విషయాలు